हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं लड्डू गोपाल जी की कैसे सेवा करती हूँ, किस प्रकार से उनकी दिन की शुरुआत करती हूँ, आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। तो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। उनके जितने भी बर्तन हैं पूजा में लगता है, उनको हम पहले अच्छे से धो लेंगे। गाड़ी है, घर है, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, सब हरा भरा परिवार, फिर भी क्योंकि दोनों ही बंधन का कारण है। सम्मान पाने से व्यक्ति को अभिमान आता है और अपमान पाने से व्यक्ति को क्रोध आता है। यदि आपका सम्मान किया जाए तो आपको अभिमान आएगा कि मेरा सम्मान, और यदि अपमान किया जाए तो आपको क्रोध आएगा मुझे अपमानित किया। तो सम्मान से अभिमान और अपमान से क्रोध। अब बताओ, क्रोध सही है या अभिमान सही है? दोनों सही नहीं है। इसलिए ना तो समझदार लोग ना सम्मान में उलझते ना अपमान में उलझते। आप हमारा सम्मान करो या आप हमारा बहुत है, चले जाते हैं। ये समस्याएं लगभग सबकी है। कहाँ चला जाता है आपका पैसा? कमाते तो बहुत हो, टिकता क्यों नहीं है? क्या कारण है इसका? आज मैं कुछ उपाय बताऊंगा आपको जिससे आपके धन में वृद्धि होगी, यदि मेरे सिद्धांत से चलोगे तो। एक व्यक्ति होता है धर्म, धर्मात्मा, एक होता है धर्मी और एक होता है अधर्मी। समझिएगा, आप समझ गए धर्मी कौन है? जिसके अंदर धर्म है वो धर्मी, बड़ा धर्मी है, बड़ा धर्मात्मा। तो जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है उसके पास जो धन होता है वो धन शांति देने वाला होता है, उसका धन कई पीढ़ियों तक टिकने वाला होता है। और जो अधर्मी होता है, यदि किसी प्रकार अधर्मी धनवान बन भी गया तो अधर्मी उस धन से दुखी रहेगा और वह ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, देखते देखते आएगा। और आज लोग चिल्लाते ये जो लड्डू गोपाल के लिए हम बनाएंगे आज आलू का पराठा। तो आप देख सकते हो हमने बना बेल के रखे हैं, तो हम अभी बना लेंगे झटके पट। तो हमारा एक साइड से हो गया है, हम पलट देंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों हो गया है। अब हम पराठे को निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों, अभी हो गया है, पूजा घर में रख देंगे, उनको बनाना भी देंगे साथ में थोड़ा सा फ्रूट में, उसे कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा लड्डू गोपाल का पूजा घर है। लड्डू गोपाल को अभी मेकअप हमने करवा दिया है और ये उनकी भोग लग चुकी है। तो हमारा लड्डू गोपाल का घर, पूजा घर कैसा लग रहा है आपको, कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हो। इसी तरह से पूजा घर को डेकोरेट कर सकते हो और ऐसे ही लड्डू गोपाल को रखिए। बहुत पूजा करने के लिए हमारा पूजा घर अभी
पूरा रेडी है, तो हम पूजा कर लेंगे और आरती कर लेंगे। लड्डू गोपाल को हम खिलाएंगे और उनकी आरती भी करेंगे कुछ इस प्रकार से। हम खिला रहे हैं उनको भोग, बनाना भी खिला देंगे। दूध पिला देंगे थोड़ा सा। इसी प्रकार से आपको भी उनकी सेवा करना है दोस्तों। हम अभी भी उनकी सेवा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे इससे ज़्यादा। तो अभी उनको पिला दिए हैं, थोड़ा पानी से उनका मुंह पोंछ लेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, खिला के उनको थोड़ा सा समय के लिए ऐसे अलग रख देंगे ताकि वो भी अपने हाथों से खा ले। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।